दो दिन के मुंबई दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों नेताओं ने बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आने की बात कही, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी अपने कांग्रेस मुक्त विपक्ष अभियान को तेज करती नजर आईं। बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा आदि राज्यों से कांग्रेस को निपटाने में जुटी ममता बनर्जी शरद पवार के साथ बैठक के बाद भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जब ये पूछा गया कि क्या शरद पवार यूपीए का नेतृत्व करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, अभी कोई यूपीए नहीं है। क्या कांग्रेस को अलग रखे हो सकता है क्या देश पर? देखो साहब जी, क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रांग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन शरद सर, शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। ममता बनर्जी के यह कहने के बाद जब मीडिया ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है कि किस पार्टी को बाहर रखना है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ साथ आना होगा। आपको लगता है सर कि ये जिन सारे लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिलाने की कोशिश ममता जी करें, आप भी करें, लेकिन क्या कांग्रेस इसका हिस्सा होगी सर? कांग्रेस के बिना नहीं, कांग्रेस या किसी को मिला सीधी बात एक है, जो हुआ अगेंस्ट बीजेपी, इफ दे कम टुगेदर दे आर, और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करते। शरद पवार से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने मुंबई में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मुलाकात की। इसमें फिल्म, राजनीति और लेखन से जुड़ी नामी हस्तियां शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में हिंदी फिल्मों के गीतकार जावेद अख्तर, पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्म निर्माता महेश भट्ट, लेखक सुधींद्र कुलकर्णी के अलावा कई लोग शामिल हुए। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में हराने के प्लान की तो बात की, लेकिन यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके विदेश दौरों पर सवाल उठाए। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? दैट द टीआरपी ऑफ बीजेपी, वी विल नॉट टॉलरेट दैट। वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग सिंस 6-8 years, बट इफ समबडी इज नॉट कमिंग आउट ओपनली, then somebody is to bail the cat. Politics must be, it is a matter of tolerance, but at the same time you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bold out you. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिनेता शाहरुख खान के प्रति भी हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को शिकार बनाया गया। ममता बनर्जी ने कहा, महेश भट्ट जी आपको भी निशाना बनाया गया था, शाहरुख खान को भी निशाना बनाया गया है, अगर हमें जीतना है तो हमें लड़ना होगा, मुंह खोलना होगा, आप हमारा मार्गदर्शन करें और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह हमें सलाह दें। ममता बनर्जी के बयान के बाद डायरेक्टर महेश भट्ट ने ममता बनर्जी को उम्मीद की किरण बताया। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी भाग लिया। उन्होंने कलाकारों के खिलाफ दर्ज हो रहे कथित तौर पर फर्जी मुकदमों को लेकर कहा कि यूएपीए और देशद्रोह के आरोप आजकल प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।